पे हम लोग बात करने वाले हैं आज का जो मैच है उनके बारे में। और ये मैच दोस्तों होने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुपर किंग वर्सेस एमआई कैप्टन के बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। और ये आपको फोर्थ मैच है ये इस साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी लीग की, काफी मजेदार है दोनों, आप यहाँ पे देख सकते हो। गेम चेंजर के बारे में हम बात करेंगे, जो कि इस मैच में बहुत सारे आपको गेम चेंजर देखने को मिलेंगे। चलिए डिटेल में बात करते हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीजें के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। सो दोस्तों यहाँ पे पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे जहां से आप ये सारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात कर रहे थे थोड़ा सा हम वेदर रिपोर्ट के बारे में, तो ये क्लाउडी है, अगर हम देखा जाए वेदर क्लाउडी है अभी साउथ अफ्रीका में। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस होने वाली है, यहाँ पे अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो 75% अराउंड रहने वाली है। और इस ग्राउंड में 50% चांसेस है कि इस मैच के दौरान बारिश हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये मान के चलना है कि फुल गेम शायद ना भी हो सकता है, इसीलिए आपका जो टॉप ऑर्डर प्लेयर है, जो डेथ बॉलर है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेन्यू पिच रिपोर्ट के बारे में। सो ये जो पिच है ना, एक्चुअली बैलेंस पिच है, कभी आपको बहुत अच्छे स्कोर करते हुए दिखेंगे और कभी आपको यहाँ पे बॉलर को भी मदद देते हुए दिखेंगे। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे स्पेसर और फास्ट बॉलर एंड स्पिनर दोनों को मदद मिलते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों हम हेड टू हेड की बात करें, जेएसके ने एक जीता है और यहाँ पे एमआई कैप्टन ने एक जीता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ग्राउंड आप देख सकते हो, ये ग्राउंड का आपको दिखने को मिलेंगे। सो ग्राउंड टिक टाक है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड ही है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि कभी कभी यहाँ पे स्पिनर को थोड़ा सा ज्यादा ही मदद मिल जाते हैं। और बारिश का टाइम है तो कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि जो टॉप ऑर्डर प्लेयर है ना, वो थोड़ा सा पावर हिटिंग करने की कोशिश तो जरूर करेंगे। दोनों टीम पे टॉप ऑर्डर में काफी सारे पावर हिटर बैट्समैन है। अगर हम रिसेंटली देखेंगे, आप देख सकते हैं ये मैच पे जहाँ पे इंडिया ने 201 स्कोर किया था, अभी रिसेंटली मैचेस हुआ है 14 तारीख को, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और ओपोनेंट यानी साउथ अफ्रीका 95 में ऑल आउट हो चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हो स्पिनर को बहुत मदद मिला। अगर हम देखेंगे कुलदीप ने 5 लिया था, रविंद्र ने 2 लिया था, सूर्य कुमार ने 100 स्कोर किया और साथ में जायसवाल ने 60 स्कोर किया। यानी जो पावर हिटर बैट्समैन है ना, जो पावर हिट करते हैं, उनका काफी उनके लिए काफी अच्छे ये ग्राउंड है जहां पे स्कोर हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें डेविड मिलर और मरकराम, ये दोनों साउथ अफ्रीका से दोनों अच्छे स्कोर किया था। उनके अलावा केशव महाराज ने 2 विकेट्स लिया एंड साथ में लिजार्ड विलियम्स ने 2 विकेट्स लिया। तो ये है इनकी जो रिसेंट टाइम जो लास्ट मैच रहा है इस ग्राउंड पे उसकी परफॉर्मेंस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि इस मैच के लिए आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले, मुझे एक चेंजेस तो यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप एमआई कैप्टन की बात करें तो एक चेंजेस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, यानी लिंदे को चांस दिया जा सकता है थॉमस काबेर की जगह पे, ठीक है। क्योंकि इनका जो इनके लिए अगर देखा जाए ना, इनकी टीम पे थोड़ा सा बॉलिंग की कमी तो है। अगर हम देखें तो एक बॉलर आपको ऑली स्टोन मिल गया, दूसरा दोस्तों यहाँ पे हेंड्रिक हो गया, तीसरा कगिसो रवाड़ा हो गया, सैम करान को भी आप ले सकते हो चौथा बॉलर। लेकिन अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे लेविंगस्टोन फुल टाइम बॉलिंग नहीं करते हैं, कबीर भी फुल टाइम बॉलिंग नहीं करते, तो अगर इनके पास लिंदे जैसे अच्छे स्पिनर रहे तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपको पूरा पार्ट टाइम बॉलिंग, मतलब ये दोनों मिला के 4 ओवर बॉलिंग कर सकते हैं। और अगर किसी भी बॉलर को, यानी कोई भी इनके फास्ट बॉलर को ज्यादा स्कोर पड़े, तो उस स्थिति में भी आपको लिंदे पूरा ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और लिविंगस्टोन को पार्ट टाइम बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। इनके अलावा बहुत ही कम चांसेस है, पर थोड़ा बहुत ब्रेविस बॉलिंग कर लेते हैं, पर चांसेस बहुत कम रहने वाले हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग टाइम है, अभी तो ये बॉलिंग नहीं करने वाले हैं। बट हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके आपको ब्रेविस को भी थोड़ा बहुत एक आध ओवर बॉलिंग करते हुए दिखे, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी जो लास्ट मैच रहा है उनकी स्कोर कार्ड क्या है। सो यहाँ पे आप इनकी लास्ट मैच के बारे में अगर हम बात करें एमआई कैप्टन की, तो आप देख सकते हो इनका स्टार्टिंग बहुत बढ़िया था। यहाँ इनके लिए ओपनिंग करी है रैन रिकल्टन एंड साथ में डसन, ये दोनों ओपनिंग करी है, दोनों बहुत अच्छे। डसन टीम की कैप्टन है, ठीक है, 87 की स्कोर किया था और ये हमारे क्लीन स्वीप देने की एक बहुत अच्छे मौका दिया है, ठीक है। और रिकल्टन की वजह से हमने क्लीन स्वीप किया था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेविस को फॉर अ मिनी ग्रैंड लीग वगैरह के लिए आप ट्राई किया करो, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पे जहां पे पावर हिट करना बहुत जरूरी है, 50% चांसेस ऑफ रेन है, तो उस स्थिति में डेफिनेटली टॉप ऑर्डर में ही आपको पिक करनी चाहिए। जैसे कि आप किरण पोलार्ड को सिर्फ बैटिंग करते इतना लेट आते हैं बैटिंग करने, आप इन्हें ट्राई मत करें, आप चाहो तो इन्हें भी छोड़ सकते हैं क्योंकि न्यू प्लेयर है।
ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर हम थोड़ा सा अच्छे से मार्क करें तो ये दो प्लेयर को मैं छोड़ने की बात कर रहा था जिसे मैंने रेड मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे थॉमस को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि इन सारे प्लेयर को ना लेके आप अपने सेव गेम नहीं खेल सकते। लेकिन अगर हम अपने टीम के लिए बात करें, अगर हम अपनी बेस्ट टीम की बात करें तो कहीं ना कहीं ये दो ऑप्शन जो आपको स्टार्टिंग में देखते हुए मिलेंगे, ठीक है, उन दोनों को तो आपको पिक करना ही है। जैसे कि यहाँ पे डसन हो गया, यहाँ पे रिकल्टन हो गया, ब्रेविस फॉर ए मिनी ग्रैंडली ग्रैंडलिंग लेविंगस्टोन बेस्ट ऑप्शन है, हो सकता है इनको प्रमोट किया जाए क्योंकि पावर हिटर है, अच्छे पावर हिटर है, आपको पार्ट टाइम बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगे, सो बेस्ट ऑप्शन है। सैम कुरान अच्छे बॉलर है, बैटिंग पे आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं क्योंकि इनकी बैटिंग डिप्थ जो है इस टीम पे काफी अच्छे है। अगर मान के चलते कि थॉमस के जगह पे लिंदे आ जाए तो एक और बैट्समैन इनके पास हो जाएंगे क्योंकि लिंडे भी बहुत अच्छे बैटिंग कर लेते हैं। सो दोस्तों अगर हम इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एमआई कैप्टन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम देखेंगे तो डसन इनके लिए ओपनिंग किया था, अभी रिसेंटली डसन ने ओपनिंग करना स्टार्ट कर दिया है और इन्होंने लास्ट टाइम भी इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। रिसेंट टाइम भी इन्होंने लास्ट पीएसएल में खेले है जहां पे 6 मैच 147 स्कोर किया है। अगर ये टॉप ऑर्डर बैटिंग करते हैं तो मस्ट भी होने वाला है क्योंकि टॉप ऑर्डर में ना ये बहुत अच्छे खेलते हैं और पहले ये टीम के लिए ओपनिंग किया करते थे, बट इंटरनेशनल जब से इनको चांसेस मिली उस टाइम से ये इनका बैटिंग ऑर्डर इंटरनेशनल के हिसाब से फर्स्ट राउंड किया करते थे, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी मैच पे आपको ये दोनों ओपनिंग करते हुए दिखे, यानी रियान रिकल्टन के साथ रॉयल ट्रेविस और आपको डुसेन डसेन जो है फर्स्ट राउंड बैटिंग करते हुए दिखे, क्योंकि ये नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर इनके नहीं है, नॉर्मल बैटिंग ऑर्डर है डसेन का फर्स्ट राउंड पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्लेयर है ये थोड़ा सा इनके बारे में हम आपको बता दें, लिस्ट में 4 मैच खेले हैं, 66 स्कोर किया है इन्होंने, ठीक है। इनके बारे में ज्यादा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है कि यंग प्लेयर है और कुछ अच्छे करी है इन्होंने क्लब लेवल पे, उस वजह से इनको चांस दिया जा रहा है, वरना इनके पास काफी अच्छे प्लेयर है, काफी सारे इनके लंबे स्क्वाड है, बट स्टिल इनको इनको चांस दिया गया है, एक न्यू प्लेयर को चांस दिया गया है जिन्होंने पहले मैचेस खेले नहीं है, तो डेफिनेटली ये चीज ना आपको देखना जरूरी है, ठीक है। सो अगर आप ग्रैंड लीग वगैरह ट्राई करना चाहते हो तो ही पिक करें, वरना आपको और गेम देखनी चाहिए। लेविंगस्टोन डेफिनेटली वेल एंड गुड ऑप्शन है क्योंकि ये जो एक प्लेयर है जो आपका गेम चेंज करके दे सकते हैं, आपको बैटिंग ऑर्डर में इनको प्रमोट किया जा सकता है, पार्ट टाइम बॉलिंग करने की एबिलिटी है। कैरन पोलार्ड को आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे सैम कुरान की बात करें तो रिसेंट टाइम परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, 50+ स्कोर भी किया है इन्होंने, अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज के साथ मैच थी और जहां पे इन्होंने 50+ स्कोर भी किया है। बॉलिंग तो ये अच्छे करते ही है, साथ में बैटिंग पे भी ये काफी अच्छे कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे थॉमस कावेर जिनके बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने 2022 में सीएसए का मैचेस खेला था जहां पे 2 मैच 7 ओवर 3 विकेट्स, थोड़ा बहुत बैटिंग ये भी कर लेते हैं। अगर हम लिस्ट डे और वनडे डोमेस्टिक मैचेस की बात करें तो ये बैटिंग नंबर 6 या 7 नंबर पे बैटिंग भी कर लेते हैं, बट मैं आपको फिर भी कहना चाहूंगा थॉमस गुड ऑप्शन में से नहीं आता है, ठीक है। रबाडा और यहाँ पे अगर हम बात करें, रबाडा तो बेस्ट है ही, हमें कौन सी प्लेयर के बारे में बात करना चाहिए मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे रशीद खान अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोस्तों तो सारा अवेलेबल नहीं है तो ये नहीं खेलने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर कोई चेंजेस होने का पॉसिबिलिटी है वो है लिंडे, जिनको प्लेइंग 11 के अंदर लिया जा सकता है। उनके अलावा दोस्तों यहाँ पे रोल्सन, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होते हैं तो इनको मौका मिलेंगे, ठीक है, उनके अलावा इनको मौका मिलने का चांसेस नहीं है। अभी बैंसन को भी वेट करना पड़ेगा, टॉम बैंसन को, क्योंकि इनके पास बॉलर लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनको वली स्टोन जो कि बेस्ट ऑप्शन बनने वाले हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम ओपोनेंट की, क्योंकि ओपोनेंट के लिए यहाँ पे फर्स्ट मैच जैसे है क्योंकि पहला मैच जो इनका हुआ नहीं था, तो उस वजह से ओपोनेंट के लिए बात करना बहुत जरूरी है, ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं फैब डुप्लेसिस, दोस्तों यहाँ पे फैब डुप्लेसिस है इनके कैप्टन, इनके ओपनर, रीजा हेंड्रिक के साथ ओपनिंग करेंगे, मोइन आली जो कि इंटरनेशनल स्क्वाड से आता है, ये मुझे लगता है कि एक आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करते हुए दिखे, ठीक है। सो उनके अलावा दोस्तों डुप्ली जो कि लास्ट ईयर भी अच्छे करी है, तो मेरे विचार में इनको 4 नंबर पे फिर से चांस दिया जाएगा। डोनाफॉन जो कि इनकी मतलब साउथ अफ्रीका से है, विकेट कीपिंग करते हुए दिख सकता है, इनके पास एक और विकेट कीपर ऑप्शन है, बट मुझे लगता है कि डोनाफॉन को चांस दिया जाए। एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपको बैटिंग, बॉलिंग, विकेट कीपिंग सब कुछ करते हुए दिखेंगे। डेविड बीजे है इंटरनेशनल स्क्वाड से और साथ में रोमिल सफेद, सो ये दोनों भी अच्छे ऑलराउंडर है दोस्तों। यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो आपने देखा होगा चेन्नई सुपर किंग के नाम, तो चेन्नई सुपर किंग को तो आप अच्छे से जानते होंगे, उनकी सिलेक्शन को आप जानते होंगे, तो यहाँ पे जितने भी प्लेयर होते हैं ना इनके सारे के सारे ऑलराउंडर होते हैं, जैसे मोइन अली हो गया, डुपोली ये भी बॉलिंग करते हैं, डेविड वी से सिफार्ड,
ये सारे ऑलराउंडर को ही ज्यादातर ये चांसेस देते हैं। यहाँ पे डोनावन भी बॉलिंग कर लेते हैं, रिजा हेंड्री बॉलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम कॉट्जी की बात करें, जो कि इस साल कमाल करी है बॉलिंग में, इन्होंने इनको अच्छे बैटिंग भी करना आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो प्लेयर है ना गैलिन, इनको बहुत ज्यादा पैसे दिए देके खरीदा गया है। सो हो सकता है कि इनको भी चांस दिया जाए फंगिसो का जगह पे, बट मेरे विचार में इस ग्राउंड के हिसाब से फंगिसो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे। बट फिर भी कह सकते हैं, कह नहीं सकते, यहाँ पे गैलिन जिन्हें ज्यादा पैसा देके लिया गया है उनको भी चांस दिया जा सकता है। सो दोस्तों उनके अलावा इमरान ताहिर है और यहाँ पे विलियम्स और बर्गर, इनमें से कोई एक मेरे विचार में तो एक ही होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास डेविड वीजे, सेफार्ड है, यहाँ पे कॉज है, विलियम्स है या बर्गर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो चार फर्स्ट बॉलर के साथ दो स्पिनर की कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए। पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं मोइन अली और रिजा हेंड्रिक, आपको दिख सकता है। ठीक है, चलेंगे दोस्तों हम इनकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो पहले हम इनकी ये कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं भाई थोड़ा। चलो तो यहाँ पे डुप्लेसिस बेस्ट ऑप्शन फॉर ए कैप्टन वाइस कैप्टन। आप चाहे साउथ अफ्रीका 2023 देख लो, चाहे आप इनकी रिसेंट टाइम का जो स्टैट्स है सीपीएल में देख लो, 3 मैच पे 112, आप चाहे आईपीएल देख लो भाई कितने बढ़िया इनिंग्स इन्होंने खेला है। सो डेफिनेटली फॉर ए कैप्टन वाइस कैप्टन यू कैन ट्राई रिजा हेंड्रिक, जिनकी बारे में मैं बताना चाहूँ कि लास्ट ईयर इनके साउथ अफ्रीका वाला तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन इंटरनेशनल पे इन्होंने कमाल करी है, चाहे वो T20 है चाहे वो वनडे है, आप देख सकते हो बहुत अच्छी इनिंग्स इन्होंने बनाई है। मोइन अली मेरे विचार में क्या है ना कि साउथ अफ्रीका तो इनका फर्स्ट मैच है, फिर भी मुझे लगता है कि चेन्नई के लिए खेला करते थे ये, चेन्नई सुपर किंग के लिए, तो फर्स्ट राउंड बैटिंग करने का पॉसिबिलिटीज तो है। लेकिन इनके पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे एक ऑप्शन जो है पहले बता दूं आपको, मोइन अली और यहाँ पे आपको चांस देखने को मिल सकता है मैटसन, इनमें से कोई एक। अगर आली को चांस दिया जाए, पहले तो मुझे लगता है कि आली को ही चांस देंगे, बट आली अगर बाय चांस फेल होता है ना, तो स्थिति में उनके पास है मैटसन जो कि बहुत ही अच्छी इनिंग्स बनाई है। सो डिटेल में बात करेंगे, एक्चुअली चार प्लेयर इनके मोइन अली, डुपोली जैसे मैंने आपको कहा था यहाँ पे प्लेइंग 11 के टाइम वैसे होने वाला है, बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन तो है इंटरनेशनल स्क्वाड से जिन्हें चेंज किया जा सकता है। डुपोली की बात करें 9 मैच 249, लास्ट ईयर अच्छे करी है इन्होंने, बट रिसेंट टाइम उतना खास है नहीं, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो फॉर ए रोटेशनल पिक। यहाँ पे डोनावन की बात किया जाए तो 11 मैच 164 रन 9 ओवर 3 विकेट्स, रिसेंटली 48 एंड 12 दो इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेला है। डेविड वीजे की बात करें तो दोस्तों ये अच्छे प्लेयर है T20 ब्लास्ट में, आप देख सकते हो बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों जगह से अच्छे पॉइंट्स इन्होंने दिया है। सेफार्ड की बात करें तो लास्ट ईयर 11 मैच पे 8 विकेट, साथ में थोड़ा बहुत रन भी करी है, तो आप अपने रोटेशनल पे ट्राई करना, सेफ गेम पे भी आप ट्राई कर सकते हो। सबसे अच्छे जो बॉलर है वो है इनके, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने मार्क कर दिया है, ये इस टीम की सबसे अच्छे प्लेयर है। ठीक है, डेफिनेटली कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बनने वाला है ग्रांट कॉट्से। यहाँ पे दोस्तों 9 मैच पे 17 विकेट्स इन्होंने लिया है, और अगर हम देखें इंटरनेशनल पे इन्होंने 4 मैचेस खेले जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 6 विकेट्स लिया है। उनके अलावा दोस्तों लिजार्ड विलियम्स है जो कि लास्ट ईयर के 3 मैच 5 विकेट्स, इंटरनेशनल पे भी इन्होंने भी अच्छी करी है। सो उनके अलावा दोस्तों यहाँ पे नंद्रे वर्गर, इनमें आप देख सकते हो 5 मैच खेले लास्ट ईयर, 17 ओवर बॉलिंग करी, 2 ही विकेट्स मिला था। तो मेरे विचार में लिजार्ड विलियम्स और बर्गर इनमें से कोई एक को खिलाना चाहिए, इमरान ताहिर को खिलाना तो जरूर चाहिए क्योंकि ये ग्राउंड पे मदद मिल सकता है, और इनका सीपीएल बहुत बढ़िया रहा है, 12 मैच पे 18 विकेट्स मिला है, और चेन्नई के लिए पहले खेल चुका है, तो मेरे विचार में इनको चांस देना चाहिए और देंगे भी। फंगिसो की बात करें 6 मैच पे 10 विकेट, लास्ट ईयर भाई इनकी गजब था एक्चुअली, 2 मैच पे 4-4 विकेट्स इन्होंने लिया था। ठीक है, सो उनके बाद इन्होंने कुछ T20 खेले नहीं, आप देख सकते हो रिसेंटली जो लीग है जहां पे कोई भी नहीं खेले इन्होंने, बट फंगिसो को भी इस मैच पे अगर चांस मिलना है तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे दो स्पिनर को इनको ऐड करना पड़ेगा, यानी इमरान ताहिर के साथ फंगिसो, ये दोनों को, और उस स्थिति में आपका 2 ऑलराउंडर और 2 फास्ट बॉलर को लेना पड़ेगा। तो वैसे ही स्थिति में लिजार्ड और नंद्रे में से कोई एक ही खेल पाएंगे। ठीक है, एक इनके यंग बॉलर है, आई डोंट नो इनको चांस दिया जाए या ना, आप देखो यहाँ पे मार किया मैंने सैमवॉन्स, जिन्होंने 3 मैच पे 9 ओवर बॉलिंग करी, 6 विकेट्स लिया है, बहुत अच्छे मुंबई के सॉरी एमआई के अगेंस्ट पहले भी इन्होंने 3 विकेट्स की इनिंग्स बना चुके हैं। सो इन्हें अगर चांस दिया जाए तो आप इन्हें फॉर ए ग्रैंड लीग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि प्लेयर अच्छे हैं और इतने अच्छे बड़े मंच पे इन्होंने 6 विकेट्स ली है, यंग बॉलर है, सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई। बट एक्चुअली क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे गैलिन को बहुत ज्यादा पैसे में खरीदा गया है यहाँ पे। सो उस स्थिति में जेएसके डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो कुछ खास तो मुझे दिख नहीं रहा है, बट फिर भी इन्होंने इनको ज्यादा प्राइस दिया है, सो हो सकता है कि इनका क्लब रिकॉर्ड अच्छा हो। और दोस्तों यहाँ पे बाकी कुछ यहाँ पे जाहिर खान नहीं है और इन सारे कुछ प्लेयर्स नहीं है, तो उस वजह से
विकेट कीपिंग के ऑप्शन है यहाँ पे रोनन हरमन, बट परफॉर्मेंस की देखा जाए तो बहुत अच्छे तो नहीं कह सकते, बट स्टिल दे कैन ट्राई। बट उस स्थिति में जहां पे इनके मेन प्लेयर डोनाहन को रेस्ट दिया जाए या फिर उनको ड्रॉप किया जाए। टीम की बात कर लेते हैं दोस्तों, पहले मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन को मैं मार कर दिया, ठीक है, ये दोनों मेरा कैप्टन वाइस कैप्टन है। अब अगर इनके अलावा किसी और को ट्राई करना है तो किसे कर सकते हैं, ठीक है, एक कर सकते हैं हम डसन को, क्योंकि सेवन कंसिस्टेंट है, आप रिकल्टन को नहीं ट्राई कर सकते हो, रेगुलर ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब अगर इन्हें छोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि विकेट कीपिंग ऑप्शन में बेस्ट तो हुई है, लेकिन यहाँ पे डसन को आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि इनका जो है एवरेज प्लेयर है, ज्यादा हिट नहीं करने वाले, बट एक्चुअली एक अच्छे एक एवरेज स्कोर आपको रेगुलर देते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ग्रैंड लीग खेलना, ये तो हमारा स्मॉल लीग की बात कर ली मैंने, लिविंगस्टोन डुप्लेसिस डसन और ऑलराउंडर सेक्शन पे देखा जाए तो यहाँ पे बॉलिंग में भी ये है कोडजे रबाडा, तो ये पांच ऑप्शन तो हमारा सेफ के लिए भी हम ट्राई कर सकते हैं। अब भाई इतने सारे बड़े बड़े प्लेयर है तो आप अपने ग्रैंड लीग में खेलना चाहोगे डेफिनेटली, तो ग्रैंड लीग वगैरह के लिए आप रिजा को ट्राई कर लो, आप अगर करना है तो रिजा को ट्राई कर सकते हो। रिकल्टन को फिर भी मैं कह रहा हूँ कि इनको ट्राई करना थोड़ा सा रिस्की होता है, रेगुलर चलने वाले प्लेयर में से नहीं आता ये, ठीक है। अब दोस्तों हमारी टीम में आपको बता दूं कि ये जो सेफ गेम के लिए मैं बना के रखा, हो सकता है मैं मोइन अली को निकाल दूं, अब डिपेंड है कि मोइन अली का बैटिंग ऑर्डर क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली इनका बैटिंग ऑर्डर फर्स्ट राउंड होना चाहिए, ठीक है। फाइनल टीम के लिए बने रहे दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो उसके लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ये टीम आप लगा के बैठे रहे और हमारे जो भी फाइनल डिसीजन होंगे, जो भी फाइनल टेक होंगे, जैसे कि अरुण फंगीसो ने अच्छी करी है, डेफिनेटली हम उनको बारे में सोचेंगे, उनको ले सकते हैं अपनी टीम के लिए। सो एक्चुअली क्या है कि इन सारे जो फाइनल टीम है ना, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपको मिलते रहे और हमारे भाई मतलब हमारे चैनल को भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दे या करें। चलिए मिलते हैं।